पुलिंग, सदा पुलिंग रहने वाले शब्द। देखिए जो हमेशा पुलिंग रहने वाले शब्द हैं आप लोग के सामने मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे दिनों के नाम, दिनों के नाम क्या होता है, हमेशा पुलिंग में होता है। दिन यानी कि डेज, डेज ने दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे क्या है, पुलिंग होते हैं। दिनों के नाम अगर आ जाएगा तो पुलिंग ही होंगे, ठीक। जैसे तरल पदार्थों के नाम, ये भी पुलिंग होते हैं। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, दही हो गया, दूध हो गया आदि, ठीक। तरल पदार्थों के नाम भी पुलिंग होगा, इतना ध्यान रखिए। दिनों के नाम, तरल पदार्थों के नाम, अनाजों के नाम, ये सारे क्या होंगे, पुलिंग होंगे। अनाजों के नाम में जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, चना इत्यादि, ये सारे क्या होंगे, पुलिंग होंगे। यहाँ क्या कह रहा है, रत्न और धातुओं के नाम, रत्न और धातुओं के नाम, मूंगा, पुखराज, मोगध, हीरा, लोहा, पीतल आदि, ठीक। ये सारे पुलिंग होंगे, इतने भी धातु हैं यानी कि आभूषण जो हम लोग पहनते हैं, लोहा, चांदी, पीतल, ये सब क्या है, पुलिंग है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, चांदी, चांदी स्त्रीलिंग होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चांदी क्या होता है, स्त्रीलिंग। चांदी एक धातु तो है, धातु है, लेकिन ये स्त्रीलिंग होगा, ठीक। आइए देखते हैं समुद्रों के नाम, सीज नेम, समुद्रों के नाम, ठीक। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सारे क्या है, पुलिंग है। सारे क्या है, पुलिंग है। समुद्रों के नाम पुलिंग। वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम भी हमेशा 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 पुलिंग होता है। लेकिन जैसे वृक्षों के नाम में देख लिए, अशोक हो गया, आम, बेर, अमरूद आदि, लेकिन इसमें एक है इमली। इमली क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक। इमली को छोड़कर बाकी सारे पेड़ पुलिंग माने जाएंगे। देशों के नाम, कंट्रीज नेम, देशों के नाम क्या होता है, पुलिंग होता है। वियतनाम, मलेशिया, ईरान, मॉरिशस आदि, देशों के नाम, कंट्रीज नेम, हमेशा पुलिंग होता है। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम जैसे अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्य श्रेणी पर्वत, आल्प्स श्रेणी, शिवालिक पर्वत, हिमालय, ये सारे क्या है, पुलिंग है। वर्णों के नाम, वर्ड, सॉरी, वर्ड क्या, ई ई ई ई री ए ऐ के, अतिरिक्त, यानी इनको छोड़कर, ई ई री ए ऐ के अतिरिक्त से सभी स्वर वाले वर्ण पुलिंग होते हैं। देखिए शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम क्या होता है, जैसे कंधा, शीर, कान, गाल, मुंह, माथा, नाक, दांत आदि, शरीर के अंगों के नाम हमेशा पुलिंग होता है, ठीक। समय सूचक नाम, समय सूचक नाम भी हमेशा पुलिंग होता है। जैसे समय सूचक में क्या आ जाएगा, प्रहर, मिनट, महीना, पल, क्षण, घंटा, दिन, सेकंड, वर्ष इत्यादि, ये सारे पुलिंग होंगे। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम भी हमेशा पुलिंग ही होता है। जैसे मंगल हो गया, बुध हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया आदि, इसमें पृथ्वी स्त्रीलिंग है, मतलब सिर्फ पृथ्वी स्त्रीलिंग है, बाकी सारे ग्रह पुलिंग माने जाएंगे। महीनों के नाम देखते हैं, महीनों के नाम, चैत्र, आषाढ़, भाद्रपद, श्रावण, वैशाख, ज्येष्ठ आदि,
ये महीनों के नाम, जो हिंदी में महीनों के नाम ही ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जल के स्थानों के नाम, जल के स्थानों के नाम यानी कि समुद्र, नलकूप, झरना, तालाब, कुआं आदि, ये सारे पुल्लिंग होते हैं, जिसमें से नदी, नदी हो गया, नहर हो गया, झील हो गया। नदी, नहर, झील ये तीनों स्त्रीलिंग होंगे, बाकी जल के स्थानों के नाम ऐसा पुल्लिंग होगा। नदी, नहर, झील को छोड़कर स्थानों के नाम, प्लेस नेम, जैसे मोहल्ला, टोला, गांव, शहर, राज्य, देश आदि, सारे पुरुषोक्त जाति का बोध करा रही है, तो यहाँ पुल्लिंग होगा। ठीक, जैसे गली को छोड़कर, ठीक, गली को छोड़कर सारे स्थानों के नाम, मोहल्ला, टोला, गांव, शहर, राज्य, देश आदि, ये पुल्लिंग होंगे। फलों के नाम, फलों के नाम, केला, तरबूज, जामुन, संतरा, आम आदि, फलों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होगा। कुछ फल ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में भी बोला जाता है, जैसे सॉरी बोला नहीं जाता है स्त्रीलिंग, कुछ फल है जो स्त्रीलिंग ही होती है, जैसे लीची हो गया और खजूर हो गया, लीची, खजूर स्त्रीलिंग, बाकी सारे फल पुल्लिंग, जैसे केला, तरबूज, जामुन, संतरा, आम इत्यादि। देखिए जिनके अंत में पन यानी कि प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, शब्दों के अंत में आता है प्रत्यय, जिनके अंत में पन वाला, त्व, त्र, आय, आस, आप, ऐरा, आ, आवा, दान आते हैं, जैसे अमर में क्या है, अमरत्व, भाववाचक संज्ञा है, ठीक, अमरत्व, इसमें त्व प्रत्यय है, इसमें लुटेरा क्या आया, एरा आया, ये वाला है, छाय वाला, वाला आया, ठीक, नेत्र, त्र आया, ठीक, अध्याय आया, आया नटखटपन, इसमें पन आया आदि, समझ गए ना, ये सारे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग माना जाएगा। जिनके अंत में पन वाला, त्व, त्र, आय, आस, आप, ऐरा, आ, आवा और दान आते हैं, जैसे अमृत, लुटेरा, चाय वाला, नित्र, अध्याय, नटखटपन इत्यादि, ये सारे पुरुषोत्तम जाति का बोध करा रही है, इसलिए इसको हम पुल्लिंग बोलेंगे। अंत में अ आने वाले यानी कि अंत में अ आने वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे नयन, ठीक, फूल, भाषण, पवन, कमल, बचपन, नयन, फूल, भाषण, पवन, कमल, बचपन, नयन हो गया अपना, फूल हो गया, भाषण हो गया, पवन हो गया, कमल हो गया, बचपन हो गया, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। चलिए हम लोग सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्दों को देख लिया है, अब स्त्रीलिंग की बात करते हैं, जो हमेशा स्त्रीलिंग, ऐसी शब्द, ऐसा शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं और बताते हैं स्त्रीलिंग कौन कौन सा शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग में लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। नदियों के नाम, ठीक, नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, सतलज, गंगा, गोदावरी, रावी, ब्यास, यमुना, कुछ एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग पुल्लिंग मानेंगे, बाकी सारी नदी जो है स्त्रीलिंग होगा। ठीक, आहारों के नाम, आहार मतलब अनाज, आहार जो हम लोग खाते हैं, फूड, आहारों के नाम भी स्त्रीलिंग हो गया, जैसे खिचड़ी, कढ़ी, कचौड़ी, रोटी, चपाती, दाल, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। महीनों के नाम स्त्रीलिंग,
ठीक, महीनों के नाम स्त्रीलिंग, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। आभूषणों के नाम चूड़ी, कंठी, माला, अंगूठी, बाली आदि, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। बोलियों के नाम यानी कि लैंग्वेजेस, बोलियों के नाम जैसे मंडियाली, भोजपुरी, अंगिका, राजस्थानी, मगही आदि, ये सारे क्या है, बोली है, यानी बोलियों के नाम हम लोग स्त्रीलिंग बोलेंगे। कहीं भी बोलियों के नाम आ जाएगा तो वहाँ स्त्रीलिंग जाति का बोध होगा, इसलिए हम वहाँ स्त्रीलिंग ही करेंगे ऑप्शन में। अंत में आ, ई, इमा, ऊ, ती, नी आने वाले संस्कृत शब्द लज्जा, कालिमा, तनु, दया, गति, रेणु आदि। जैसे अंत में आकारांत, फिर इकारांत, फिर इमा, ऊ, ती, नी, किसी भी शब्द के अंत में ऐसे उच्चारण आए तो वहाँ हम लोग स्त्रीलिंग मानेंगे। लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होता है। देवनागरी लिपि, गुरुमुखी, अरबी, रोमन, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग। झीलों के नाम नैनी, डल, मानसरोवर, ये भी स्त्रीलिंग, सारे स्त्रीलिंग। किराने की वस्तुएं यानी कि ग्रोसरी आइटम्स, चीनी, इलायची, अरहर, मूंग, सौंफ, मिर्च आदि, ये सारे स्त्रीलिंग होगा। अंत में अ, ई, उ, ख, त, अंत में अकारांत, इकारांत, उकारांत, ख, त आने वाली संज्ञाएं जैसे ईख, राख, चीख, भीख, रात, जीवन, खेल, लात, झाड़ू, लू आदि, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। भाषाओं के नाम ऊपर बताए, बोलियों के नाम और भाषाओं के नाम, ये भी सारे स्त्रीलिंग ही होगा। संस्कृत भाषा, नेपाली भाषा, मराठी भाषा, फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, फारसी आदि। ठीक, अंत में आहट यानी कि प्रत्यय, आहट, आवट, आई, यानी कि शब्दों के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में जो उच्चारण करते हैं हम लोग, प्रत्यय जो आता है, जैसे आहट प्रत्यय हो गया, आवट प्रत्यय हो गया, आई, आस, ता आने वाली भाववाचक संज्ञा है, जैसे बुलाहट, पढ़ाई, कमाई, गर्माहट, घबराहट, मिलावट, मिठास, प्यास, ममता, प्रभुता इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसको हम स्त्रीलिंग बोलेंगे। ठीक,